मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी भी इनसिक्योर नहीं थी अपने काम के लिए या अपनी अपने आप से. सो एक वो होता है ना समंदर जिसमें जो भी हाथ डाले वो फैज़ उसको मिलना चाहिए. सो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे और मैंने कभी इन बच्चों से कुछ छुपाया नहीं. उनको बहुत सिखाया, उनके साथ मिल के काम किया, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया और नई नई चीज़ों में हमने लाइक सर्फिसिंग है कपड़े की या एम्बेलिशमेंट या कट्स या कलर्स. बच्चे आते थे तो शुरू में मैं कई बड़ी हैरान होती थी कि एक डिज़ाइन मतलब फैशन स्कूल से आए हैं लेकिन कलर सेंस कई बच्चों में नहीं होती या फैब्रिक मतलब यू हैव टू बी मतलब आपको एक बोल्ड होना पड़ता है टू बी अ डिज़ाइनर. आपको बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है. तो वो एक आप बॉक्स में बंद नहीं हो सकते. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. सो उसमें वो फिर वो बड़ा इन्जॉय करते थे और फिर काम करना पूरा. उनको अगर उमर खयाम किया तो उनको पढ़ना पड़ा उमर खयाम, उसको उसका सोचना रिसर्च, या नूर जहान पे किया या जोसेफिन पे किया या खलील जिब्रान पे. तो उनको फिर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता था. बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो फिर आप उसमें से क्रिएट कैसे करेंगे. तो वो उस चीज़ को वो फिर इंजॉय करते थे और बड़ा बड़े कहते थे हमने इतना सीखा है कि तो वो उसकी मुझे खुशी होती है. लेकिन सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, अपना अपना इंडिविजुअल स्टाइल है. आपकी नज़र में इन्हीं कंटेम्प्रेरीज में सबसे बेहतर कौन है, किसको आप कह लीजिए किसके काम को एडमायर करती है सबसे ज़्यादा? मुझे वो उसका काम अच्छा लगता है जहाँ पे कुछ सोच नज़र आ रही होती है, कोई रिसर्च नज़र आ रही होती है, कोई डेप्थ आती है. या अगर वो कह रहे हैं कि ये इस्लामिक कैलीग्राफी कलेक्शन है तो फिर उसकी नज़र आना चाहिए. फॉर एग्जांपल तो आई थिंक उस हवाले से कामयार रोकनी इज़ आई फील क्रिएटिव एंड ही हैंडल्स मतलब के डिफरेंट चीज़ों को लेके उनको एक मिक्स करके तो आई थिंक उसमें रिचनेस है. अली ज़ीशान आई वुड से हैज़ इज़ मोर ऑफ एन आर्टिस्ट इन हिज ओन राइट. काम की क्वालिटी आई कांट से बिकॉज मैंने बहुत करीब से देखे नहीं है, बट द वे ही डज हिज ओन सो ही हैज़ क्रिएटेड हिज ओन नीश. मतलब उन्होंने अपनी एक क्या कहते हैं सिग्नेचर है उसका. सो इंटरेस्टिंग काम है उसका.